अक्सर हम बहुत अधिक थकान और सिरदर्द महसूस करते हैं। ऐसा आमतौर पर पर्याप्त नींद न लेने या ठीक से न सोने के कारण होता है। साथ ही अगर आप भोजन ठीक से नहीं करते हैं या ओवरईटिंग के कारण भी बहुत बार थकान की समस्या होती है। जंक और प्रोसेस्ड फूड्स खाने के बाद भी थकान और नींद आना बहुत आम है। कभी कभी सिरदर्द और थकान की होना बहुत आम है और आमतौर पर इससे ज्यादा नुकसान नहीं होता है। लेकिन अगर आप अक्सर ही बहुत अधिक थकान और सिरदर्द जैसी समस्याओं का सामना करते हैं, तो यह शरीर में पोषक तत्वों की कमी का संकेत हो सकता है। शरीर में कुछ जरूरी पोषक तत्वों की कमी के कारण भी आपको पूरा दिन थकान हो सकती है, साथ ही इसके कारण आपको सिरदर्द भी हो सकता है। अब सवाल यह उठता है कि सिरदर्द और थकान किन विटामिन और मिनरल्स की कमी के कारण होती है। इस वीडियो में हम आपको थकान और सिरदर्द के लिए जिम्मेदार विटामिन और उनके खाद्य स्रोत बता रहे हैं, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इसी तरह की और भी जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लें। तो चलिए जानते हैं कि आखिर किस विटामिन की कमी से सिरदर्द और थकान होती है। वैसे तो ऐसे कई पोषक तत्व हैं जिनकी कमी सिरदर्द और थकान का कारण बन सकती है, लेकिन इनमें कुछ विटामिन बहुत अहम भूमिका निभाते हैं, जैसे बी विटामिन, जिनमें विटामिन B2 राइबोफ्लेविन, B3 नियासिन, B5 पेंटोथेनिक एसिड, B6 पाइरिडोक्सिन, B9 फोलेट, B12 आदि शामिल है। विटामिन सी, विटामिन डी, ये विटामिन ऑक्सीजन डिस्ट्रीब्यूशन और एनर्जी प्रोडक्शन में अहम भूमिका निभाते हैं। जब शरीर में इनकी कमी हो जाती है तो यह थकान को कारण बनते हैं, खासकर विटामिन B12 की कमी। विटामिन B12 की कमी के कारण शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं की मात्रा भी प्रभावित होती है। यह शरीर में खून की कमी या एनीमिया का भी कारण बन सकता है, जिसकी वजह से भी आप सारा दिन थका हुआ महसूस करते हैं। तो आइए अब जानते हैं कि इन विटामिन की कमी को पूरा करने के लिए क्या खाना चाहिए। विटामिन बी कमी को पूरा करने के लिए आप दूध, दही, पनीर, छाछ के साथ ही गाजर, सैल्मन, शकरकंद, केले, एवोकाडो, छोले, पालक आदि को डाइट का हिस्सा बना सकते हैं। विटामिन सी के लिए आप आंवला, नींबू, अमरूद, संतरा, मौसमी आदि जैसे खट्टे फलों का सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा आप सलाद, हरी पत्तेदार सब्जियां और ब्रोकली आदि को भी डाइट में शामिल कर सकते हैं। विटामिन डी के लिए आप रोजाना सुबह या शाम धूप में कम से कम 10 मिनट जरूर बैठें। इसके अलावा दूध और दूध से बने उत्पाद, अनाज और संतरा आदि को डाइट का हिस्सा बनाएं। इन फूड्स को डाइट में शामिल करके आप आसानी से इन उपरोक्त विटामिन की कमी को पूरा कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका सिरदर्द गंभीर है और थकान रहती है तो डॉक्टर से संपर्क करें। डॉक्टर की सलाह के बिना कोई भी सप्लीमेंट या दवा लेने से बचें। हमें उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।